हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर पर। और मैं अंकुर शर्मा एक बार फिर से आप सबकी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा। बेसिकली आरबीआई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन, वो आपको मिलने वाला है, जो यूज़फुल होगा एसबीआई एलआईसी एडीओ मेंस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम जुलाई महीने के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आरबीआई वाले हैं, फिर जून के पढ़ेंगे ऐसे ही, फिर मई के, फिर अप्रैल के और फिर मार्च के। तो कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे आ जाएं। अगर नहीं आ पाता है तो एक वीडियो में करके दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका सेशन। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने चूज़ किए हैं, सेलेक्ट किए हैं डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ से। आपको अगर सारी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सिलेक्शन मेंटर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे और आपको मिल जाएगा सारी पीडीएफ का लिंक, या फिर डायरेक्टली पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है पीडीएफ। अगर आप वीडियो पूरा टेस्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो वीडियो को भी अच्छे से देखें, जिससे आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल मिलेगी और हमारा बेनिफिट जो हम आपको देना चाह रहे हैं वो आपको मिल पाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने और वो है टेस्ट के रूप में, आप लोग आंसर दें अपने मन ही मन में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई फॉर इंडियन कंपनीज टू रिपोर्ट फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स इज कॉल्ड। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर है सी ऑप्शन। मतलब आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स को यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उसका सही जवाब यहाँ पे आएगा फ्लेयर। ठीक, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, द आरबीआई हैज़ डेवलप्ड अ पोर्टल कॉल्ड एज फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग। ठीक है, तो जो आपके फॉरेन लाइबिलिटीज और एसेट्स हैं उसको आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं आप FLA क्या है ये। तो RBI ने पोर्टल लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, द टेन्योर ऑफ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI NS विश्वनाथन हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय। तो RBI गवर्नर, जो डेप्यूटी गवर्नर है RBI के, NS विश्वनाथन, आपको पता है इनके अलावा और दो डेप्यूटी गवर्नर हैं, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो उसका एक्सटेंड कितने मंथ के लिए किया गया है, तो उसका सही जवाब है 12 महीनों के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है आपको अच्छे से कि डेप्यूटी गवर्नर के, जो डेप्यूटी गवर्नर से RBI के, वो है NS विश्वनाथन, VP कानून को, एंड MK जैन, शक्तिकांत दास क्या हैं, गवर्नर है 25वें नंबर के। आपको सबको पता होना चाहिए बात है, 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं यहाँ पे गवर्नर। तो ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो NS विश्वनाथन थे उसका 12 महीने के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। What is the name of RBI's roadmap to improve regulation and supervision of central bank? Central bank का regulation और supervision के लिए यहाँ पे जो एक scheme या फिर कह सकते हैं एक launch किया है, तो उसका नाम क्या है? और उसका नाम है यहाँ पे, जल्दी से इसका answer आप लोग भी दे सकते हैं, उत्कर्ष 2022। ठीक है, क्या सही जवाब है? उत्कर्ष 2022 is the correct answer। आप लोग इसकी explanation भी नीचे पढ़ सकते हैं। So a 3-year roadmap is being finalized by RBI to improve regulation and supervision and various other functions of the central bank. ठीक है, अगला सवाल RBI का, as per the RBI, which state has registered the highest number of automated teller machine यानी ATM frauds in India? तो 18-19 financial year की अगर हम बात करें तो आपको answer भी नज़र आ रहा है B, यानी कि महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा question है, Which state has registered highest number of fraud? सबसे ज़्यादा fraud कहाँ पे हुए हैं ATM के? तो आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र, या फिर उसको ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग कि मुंबई में सबसे ज़्यादा fraud होते हैं, मतलब दिल्ली में भी होते हैं, बट आप सोच सकते हैं मुंबई में। तो आप यहाँ पे निशान लगा देंगे महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल हमारी कौन है? मुंबई है। तो महाराष्ट्र इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हु इज न्यू डेप्यूटी गवर्नर टू रन मॉनेटरी पॉलिसी पोर्टफोलियो। देखिए क्या है, यहाँ पे आपको पता होगा कि एक विरल आचार्य, उनका रेजिग्नेशन हुआ था जो डेप्यूटी गवर्नर RBI के थे, तो उनके बाद यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट है। तो देख सकते हैं, पढ़ के देखते हैं इसको क्या लिखा है, कि इसका सही जवाब तो है BP कानून को। और पोस्ट द रेजिग्नेशन ऑफ विरल आचार्य, द RBI हैज assigned द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर टू BP कानून को। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि जो BP कानून को है अभी बने हैं विरल आचार्य के बाद। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वॉट इज द रैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व होल्डिंग बाय
ग्लोबल सेंट्रल बैंक। देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसका आंसर है 10th, मतलब गोल्ड रखने के मामले में जो आरबीआई की रैंक है वो है 10वें नंबर की। अगर इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो वहाँ पे वो आई थिंक 11वां नंबर आ जाता है, क्योंकि हम IMF को इंक्लूड नहीं करते वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, समझना है पूरा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा ये बात, तो यहाँ पे सही आंसर इसका लगा देंगे कि भैया 10th पोजीशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि कितना यहाँ पे पड़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, व्हाट इज द रेट ऑफ मिनिमम लिवरेज रेशियो सेट बाय RBI फॉर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आगे और आने वाला है, ये DSIB जो होते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो हैं, अभी आप किस किस बैंक को बनाया रिसेंटली वो भी अगला क्वेश्चन आएगा, पर यहाँ पे ये LR जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कितना LR यहाँ पे दिया, उसका सही जवाब है 4%। तो 4% का LR मिला है, जो नॉन DSIB बैंक है उनको मिला है 3.5% का LR, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप लोग देख पा रहे होंगे, सही जवाब एक बार देख लेते हैं, ए द RBI रिलैक्स द लिवरेज रेशियो फॉर द बैंक, 4% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5 किसके लिए मिला हुआ है, 3.5% मिला हुआ है जो नॉन DSIB बैंक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, RBI हैज़ वेव्ड द चार्जेस इट लेवीज ऑन बैंक टू इनिशिएट RTGS एंड NEFT, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसके लिए उसने क्या बोला है, कब से ये जो फ्री है हो गया है, मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे यहाँ पे, तो वो कब से शुरुआत है, वो 1 जुलाई से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे रिवीजन के तौर पे इसे ले सकते हैं, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज PDF से पढ़ सकते हैं, सब टू यू। अंडर हुज चेयरमैनशिप RBI हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू रिव्यू द ATM इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सही जवाब है VG Kannan, तो VG Kannan इज द करेक्ट आंसर। तो किसकी चेयरमैनशिप में RBI हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू रिव्यू द ATM इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर, तो इसका सही जवाब है VG Kannan, ठीक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड अ 6-member कमेटी टू रिव्यू द ATM इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर। आपको पता होगा कि मैंने आपको दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूँ SBI मेंस के लिए, तो जुलाई का करंट अफेयर पूरा करा दिया है, जून की Part 1 आ चुका है, Part 2 अभी आएगा, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा मैं FCA मेंस के लिए जब तैयारी की थी, वो भी IBPS एग्जाम लेते हैं, उसके लिए मैंने जो आपको जुलाई और जून कराया वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम 27 जुलाई को था, तो बिल्कुल पास में ही था वो एग्ज़ाम, वहाँ से क्वेश्चन सारे आएंगे। RBI हैज़ डायरेक्टेड ऑल द बैंक्स टू इंश्योर दैट ऑल ATMs आर ग्राउटेड टू अ स्ट्रक्चर वॉल पिलर फ्लोर, मतलब इनमें ये ATM जो है इसके अंदर होने चाहिए, वॉल के अंदर, पिलर के अंदर या फ्लोर के अंदर, ग्राउटेड होने चाहिए, है ना, मतलब समझ सकते हैं ना, वॉल है तो वॉल के अंदर ग्राउटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ATM निकाल के ले जा रहा है। तो इसका सही जवाब है कब तक, September 30 तक एक डेडलाइन दी है कि तब तक इंश्योर करना है कि आपको ये सारे आपके ATMs एनग्राउटेड होने चाहिए, ठीक, और प्रॉपर CCTV वगैरह सब होने चाहिए। ये क्या है अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ ₹150 million टू घाना फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने के लिए यहाँ पे किसने दिया है लोन $150 million घाना को, तो मिलियन डॉलर का, तो उसका सही जवाब है एक्सिम बैंक ने, तो एक्सपोर्ट, ये समझ सकते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक की जो है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसने घाना को 150 का यहाँ पे एक तरह से डील साइन हुई है, क्रेडिट वर्थ दी है कि आप वहाँ उतना ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट रिसेंटली, तो आप लोग बिल्कुल क्लियरली लगा सकते हैं यहाँ पे, अभी मैंने बताया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विरल आचार्य, ठीक है। तो सही जवाब क्या आ जाएगा, विरल आचार्य, ठीक है। तो इन्होंने अभी रिजाइन किया, इसके बाद कौन आए हैं अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार फिर से जरूर बताएं। अगला सवाल है, एज पर द RBI डायरेक्शन ऑल डेटा रिलेटेड टू पेमेंट मस्ट बी स्टोर्ड इन सिस्टम लोकेटेड ओनली इन इंडिया एंड डेटा प्रोसेस्ड अब्रॉड मस्ट ऑल्सो बी ब्रॉड बैक टू कंट्री। जो भी आपका डेटा है ट्रांजेक्शन रिलेटेड वो आपके इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, और अगर इंडिया के बाहर भी कुछ अगर है तो वो 24 घंटे के अंदर इंडिया के अंदर आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है आपका, द RBI हैज़ रिलीज्ड FPA गाइडलाइंस फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ बेंचमार्क प्रोसेस, व्हाट डज FBA स्टैंड्स फॉर। FBA क्या मतलब है FBA का, तो फाइनेंशियल बेंचमार्क
एडमिनिस्ट्रेटर्स, फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे इसका FBA की फुल फॉर्म है। तो द RBI हैज़ रिलीज्ड FBA गाइडलाइंस फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ बेंचमार्क प्रोसेस। तो जो भी बेंचमार्क प्रोसेस हैं वहाँ पे उसको करने के लिए यहाँ पे FBA है, FBA की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई। तो बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू RBI डायरेक्शन टू ऑल फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन, अ मिनिमम, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाया है, अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ रुपीज वाट फी नीड्स टू बी मेंटेन, मतलब कितना डायरेक्शन के अकॉर्डिंग FBA जो है उनको कितना अपना मेंटेन रखना है जो भी अमाउंट है। तो उसका सही जवाब देखिए ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 75 लाख और 1.5 करोड़। तो सही जवाब आपके सामने लिखा हुआ है, तो याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, 1 करोड़ रुपये का यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम होना चाहिए। सो RBI हैज़ डायरेक्टेड ऑल FBAs टू मेंटेन अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ रुपीज़ 1 करोड़ एट ऑल टाइम। दीज FBAs विल बी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड बेस्ड इन इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि FBA की फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे FBA वाले दो क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली प्रपोज्ड द रूल ऑन ओपनिंग एंड प्रोसेसिंग विच अकाउंट ऑफ कॉरपोरेट बोरोवर्स टू प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ फंड, ठीक है। तो किस तरह का जो अकाउंट है वो ओपन करने की बात की गई है, उसका सही जवाब है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट ओपन करने की बात की गई है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टाइटन रूल्स ऑन ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग करंट अकाउंट्स। तो यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा करंट अकाउंट ओपनिंग करने, ओपन करने की बात की गई है, किसके लिए, यहाँ पे कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए, ठीक है। तो विच बैंक रिसेंटली लिंक्ड इट्स इंटरेस्ट रेट टू RBI रेपो रेट, तो जून का क्वेश्चन है ये। तो सही जवाब आपको पता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, SBI। तो SBI ने जो अपने रेट्स हैं वो लिंक्ड कर दिए हैं RBI के साथ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए, RBI हैज इंक्रीज द हाउसिंग लोन लिमिट्स फॉर एलिजिबिलिटी अंडर PSL2, कितना इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर, मतलब RBI हैज़ इंक्रीज द हाउसिंग लोन्स लिमिट। तो कितना है यहाँ पे कि 35 लाख तक का यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स पे जो लोन्स है उसका पास हो सकता है, तो उसका सही ऑप्शन लगा देंगे ए। तो जितना भी आपका ये कलेक्शन है क्वेश्चंस का वो मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की गई है, ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी ये जून के क्वेश्चन चल रहे हैं, जुलाई में कम थे, जून में ज़्यादा हैं और मई में ज़्यादा है, तो मई जून पे ज़्यादा फोकस करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन लगा देंगे, 35 लाख रुपये आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च्ड द विजन 2021 डॉक्यूमेंट फॉर ई पेमेंट सिस्टम, मतलब ई पेमेंट सिस्टम के लिए किसने यहाँ पे लॉन्च किया है, RBI ने। तो आपको मैंने भी बताया कि RBI के जितने भी रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, और जो डेटा होता है ट्रांजैक्शन का वो इंडिया में ही रहे उस पर ज़्यादा फोकस है, और अगर बाहर भी है तो 24 घंटे के अंदर इंडिया में वो डेटा आना चाहिए और बाहर अब्रॉड से वो डेटा डिलीट होना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019 से 2021, यानी कि विजन 2021 इसको बोल सकते हैं, फॉर सेफ, सिक्योर, क्विक एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट, मतलब पूरी तरीके से ई पेमेंट को अच्छा करने के लिए बात की गई है। अगला सवाल है, नेम द बैंक दैट वाज पेनलाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद 1 करोड़ फॉर फेलिंग टू फुल्ली ऑटोमेटेड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, मतलब किसके ऊपर 1 करोड़ का यहाँ पे लगा है यहाँ पे जुर्माना। तो सभी सही जवाब आपके सामने है यहाँ पे बी। सो मुंबई बेस्ड RBI हैज़, ये देखो मुंबई बेस्ड मतलब यहाँ पे RBI के बारे में याद कर लो कि भैया हेडक्वार्टर मुंबई में है, हैज़ इम्पोज्ड 1 करोड़ फाइन टू नैनीताल बैंक। द रीज़न बिहाइंड द मॉनेटरी पेनल्टी वाज बिकॉज ऑफ नैनीताल बैंक्स फेलियर टू फुल्ली ऑटोमेटेड द एंड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो उसको RBI को लगा, भी PNB को भी लगाया, अगला क्वेश्चन आएगा। तो नैनीताल बैंक को लगा है 1 करोड़ रुपये का यहाँ पे जुर्माना, एक तरह से बोल सकते हैं। सो अ हाई लेवल कमेटी ऑन डिजिटल पेमेंट रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द RBI, द कमेटी इज हेडेड बाय, तो एक हाई लेवल कमेटी तैयार की गई थी, उसने रिपोर्ट सबमिट की डिजिटल पेमेंट को लेके, और नंदन नीलखानी यहाँ पे क्या है उसके हेड हैं। तो जो आपका डिजिटल पेमेंट को लेके जो भी मैं बताया आपको अभी कि उसके लिए पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम किया जा रहा है, तो आप पूरी तरीके से क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। सो नंदन नीलखानी यहाँ पे सही आंसर। RBI हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द इनिशियल कट ऑफ टाइमिंग फॉर कस्टमर RTGS ट्रांजेक्शन 2। देखिए आपको ये क्वेश्चन मैं बता दूँ कि 27 जुलाई में
27 जुलाई का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है FCI मेंस का, उसमें एग्ज़ाम में आपके आया हुआ है और उसका सही जवाब लगा देंगे 6P। तो 6 बजे तक यहाँ पे RTGS का टाइमिंग रहेगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइमिंग, मतलब लगभग 1.5 घंटा टाइमिंग बढ़ा दी है यहाँ पे, 4:30 से यहाँ पे उन्होंने 6 कर दिया है। ठीक है, अगला सवाल है, हु इज़ द हेड ऑफ टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI फॉर द डेवलपमेंट एंड ऑफ सेकेंडरी मार्केट ऑफ कॉरपोरेट लोन्स। तो उसके लिए कौन हेड कर रहे हैं उस जो टास्क फोर्स बनाया है, उसका सही जवाब है टी एन मनोहरन इस टीम को या फिर उस कमेटी को यहाँ पे हेड कर रहे हैं जो सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉरपोरेट लोन्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो TN मनोहरन यहाँ पे सही आंसर है। हु विल हेड द टास्क फोर्स विच हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूट बाई टू एग्जामिन इशू रिलेटेड टू ऑफशोर रुपीज़। देखिए अभी जितने भी जो टीम के बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कमेटी कौन कौन से हेड कर रहे हैं उसको एक लाइन बना के आप नोट कर लो कि इस चीज़ को ये हेड कर रहा है, इसको ये हेड कर रहा है, ये विजन लॉन्च किया है, ये RBI ने ये किया। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए कि RBI ने किए कि RBI ने किए कि ऐसे किएंगे तो बहुत आपका हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे उषा थोरट यहाँ पे सही आंसर है इसका, उषा थोरट इज द करेक्ट आंसर। तो जो भी ऑफशोर रुपीज़ मार्केट के मतलब जो भी इशू है यहाँ पे उसको रिजॉल्व करने के यहाँ पे उषा थॉरट यहाँ पे हेड बनी है उसकी, और जो कमेटी बनी उसके हेड बने। ठीक है, अगला सवाल है, RBI हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹4 crores ऑन विच बैंक फॉर डिलेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 स्विफ्ट रिलेटेड ऑपरेशन कंट्रोल। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए स्विफ्ट क्या होता है, स्विफ्ट कोड जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए यहाँ पे यूज़ आता है। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि 4 crore का यहाँ पे कर्नाटका बैंक को लगा है, नैनीताल बैंक को अभी NPS से रिलेटेड 1 crore का लगा है, और PNB वाला क्वेश्चन भी आगे आने वाला है। तो जितने के ऊपर ये लगे हैं ये सारे आप एक साथ मैंने ला दिए हैं, आप एक साथ करके याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा आपको। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका बैंक। ठीक है, कर्नाटका बैंक। रिसेंटली RBI डिसाइडेड टू इंजेक्ट ड्यूरेबल लिक्विडिटी वर्थ हाउ मच अमाउंट। तो कितने पैसा यहाँ पे इंजेक्ट करने की बात की गई है लिक्विडिटी में, तो यह है 12,500 crore rupees। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ने, बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ प्रिवेलिंग लिक्विडिटी कंडीशन ऑल्सो इज द ड्यूरेबल लिक्विडिटी नीड्स गोइंग फॉरवर्ड RBI हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन फॉर एन अग्रीमेंट ऑफ ₹125 billion थ्रू। देखिए ऐसे भी आ सकता है कि 125 billion या फिर आ सकता है 12,500 crore rupees। ठीक है, सो विच बैंक रिसेंटली स्टार्टेड लिंकिंग प्राइसिंग ऑफ लोन्स एंड सेविंग डिपॉजिटेड टू RBI रेपो रेट। अभी तो मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, तो स्टार्ट कर दिया है SBI ने यहाँ पे अपने रेट को लिंक करना RBI के साथ। ठीक, रिसेंटली व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ RBI होल्डिंग गोल्ड, ये मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, 10th आपकी पोजीशन है। RBI गिव कितना टाइम दिया टू LIC टू रिड्यूस स्टेक इन IDBI बैंक। तो IDBI बैंक में LIC के स्टेक्स हैं आपको पता है, तो LIC को रिड्यूस करने हैं स्टेक्स, है ना। तो कितना टाइम दिया है, तो उसका मतलब है 12 साल। तो यानी कि स्लोली LIC जो है अपने स्टेक्स को जो है डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो RBI gives 12 years टू LIC टू रिड्यूस स्टेक इन IDBI बैंक। तो IDBI बैंक भी एक तरह से प्राइवेट बैंक बनने वाला है, और 12 साल के अंदर जो LIC के गवर्नमेंट स्टेक्स हैं वहाँ पे वो धीरे धीरे उसके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं कि LIC के 51% स्टेक्स हैं यहाँ पे, वो धीरे धीरे अगले 12 सालों में वो डिक्रीज हो जाएगा। और ठीक है, तो अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड री इंश्योरेंस एंड कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर टू ओपन एन विच अकाउंट फॉर अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। तो जो रिजर्व बैंक का यहाँ पे री इंश्योरेंस का चीज़ है, यहाँ पे री इंश्योरेंस एंड कंपोजिशन इंश्योरेंस ब्रोकर टू ओपन एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। ठीक, तो उस क्वेश्चन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, तो जिससे आप लोग याद कर पाएँ इसको। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड बैंक नोट साइंड बाई गवर्नर शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर है। तो कितने डिनोमिनेशन के यहाँ पे नोट यहाँ पे जारी करने के लिए यहाँ पे जारी किया गया, तो उसका सही जवाब आपको पता है 50 है। और आपको पता है 20 रुपये वाला नोट भी अभी आने वाला है, तो 50 रुपये का नोट यहाँ पे साइन किया गया, 17 अप्रैल की बात है ये, तो अप्रैल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। सिमिलर रेस्पेक्ट टू द 50 बैंक नोट महात्मा गांधी न्यू सीरीज। ठीक है, तो विच बैंक सोल्ड इट्स एंटायर स्टेक इन NHB नाबार्ड टू द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब है RBI।
कौन से बैंक ने सारे स्टेक यहाँ पे द आरबीआई हैज इंडिया हैज सोल्ड एंटायर स्टेक इन द नेशनल एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर. ये जो आपका नाबार्ड होता है इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर 1450 करोड़ एंड 20 करोड़ रेस्पेक्टिवली. द मूव वुड मेक द एग्री ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली गवर्नमेंट ओन. ठीक है, तो जो उसके स्टेक्स हैं वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक तरह से ले लिए. सो अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच विच बिकम द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन एशिया पैसिफिक रीजन टू बिगन एन इंटरेस्ट रेट ईजिंग साइकिल फ्लोटिंग बाय बेनाइन फूड इन्फ्लेशन एंड ईजियर ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन. तो इसका सही जवाब है आरबीआई. तो आरबीआई इज़ द करेक्ट आंसर. तो अकॉर्डिंग टू द जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच. अच्छा, जितने भी रेटिंग्स हैं मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डिमांड करते हैं. कमेंट सेक्शन में अगर आप डिमांड करते हैं कि रेटिंग्स की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा या कितने परसेंट की ग्रोथ कौन बोल रहा है वो भी मैं वीडियो लेके आ सकता हूँ. ठीक, तो यहाँ पे इसका सही जवाब आरबीआई लगा के आगे बढ़ने वाले हम लोग. अगला क्वेश्चन है कौन सा जो मोटिव है 20 रुपये के डिनोमिनेशन के ऊपर लाया गया है. तो एलोरा केव्स हैं 20 रुपये के ऊपर. एलोरा केव्स मोटिव्स इज डिपेक्टेड इन द बैक साइड ऑफ द न्यू 20 डिनोमिनेशन नोट. तो मैंने बताया था कि 20 रुपये का नोट भी आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस नोट के पीछे किसका है, कौन सा मोटिव है. ठीक है, हु विल हेड द टास्क फोर्स विच वॉज कंस्टिट्यूट बाय आरबीआई टू एग्जामिन इशू रिलेटेड टू ऑफशोर रुपीज. देखिए अभी ये क्वेश्चन आया था ऊसा थ्रॉट, तो ये फिर से मैंने दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको बताया था ऑफशोर फिर से याद हो गया होगा आपको. ठीक, आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 4 crore विच बैंक टू डिले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्विफ्ट. तो इसका सही जवाब है कर्नाटका बैंक. आपको अभी मैंने इससे पहले भी ये आया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन. तो रिसेंटली आरबीआई डिसाइडेड टू इंजेक्ट, ये फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन. तो 12,500 crore यहाँ पे इंजेक्ट करने की बात की. विच बैंक रिसेंटली स्टार्टेड लिंकिंग प्राइसिंग फॉर लोन. तो इसका आंसर है SBI. ठीक है, अगला है आरबीआई रिसेंटली नेम्ड. अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है. ये 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, सॉरी फॉर दिस. आरबीआई रिसेंटली नेम्ड SBI, ICICI एंड HDFC बैंक. तो तीन बैंक ऐसे हैं SBI, ICICI और HDFC बैंक, उसको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बताया गया है. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे चार % का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है LR में, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो बैंक्स हैं उनके लिए 4% का रिलैक्सेशन है, बाकी सबके लिए 3.5% का रिलैक्सेशन है. द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016. तो सही जवाब है इसका SEBI. ठीक, तो ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ सकता हूँ, तो आपके लिए उसके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी होगी कि मैं आपको रेटिंग वाले क्वेश्चंस लेके आऊँ. बाकी अगर मैं बात करें अपने जो 600 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसको पूरा किया जाएगा 101%. बाकी मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया, तो आई होप कि आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिसिएट जरूर करेंगे. द शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाई आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया टू द स्टेट गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू ब्रिज टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच इन स्टेट इन टर्म्स टर्म्ड एज. तो इसका नाम क्या है जो बीच में ब्रिज के रूप में यहाँ पे तैयार किया गया है उसको कम करने के लिए. तो उसका है नाम रखा है वेज एंड मीन्स एडवांसेस. ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ लें जिससे थोड़ा और क्लैरिटी आए माइंड में. तो कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज्ड टू रिप्लेस द प्रीवियस एक्सपेंडिचर बेस्ड सिस्टम विद रूरल बेस्ड प्रोच फिक्स न्यू वे एंड मीन्स लिमिट्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेटअप अ पैनल रिकमेंडेशन ऑफ पैरामीटर ऑफ द न्यू सिस्टम. ठीक है, तो उनके बीच में जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए यहाँ पे ये वाला नया वेज एंड मीन्स शुरू किया गया है. ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लें. अ शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय आरबीआई टू द स्टेट, जो आरबीआई लोन देता है स्टेट्स को इन ऑर्डर टू ब्रिज. ब्रिज मतलब होता है कि गैप को कम करना, ब्रिज का मतलब होता है कम करना. टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच जो होता है उसको कम करने के लिए उसका नाम क्या दिया गया है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस. ठीक है, तो RBI स्लैब्ड विच बैंक ऑफ 2 crore का यहाँ पे मतलब पेनलाइज किया गया PNB को किस चीज़ के लिए यहाँ पे. तो रेगुलेटरी यहाँ पे रिगार्ड स्विफ्ट बैंक. देखिए स्विफ्ट ऑपरेशन के लिए अभी कर्नाटका बैंक को 4 crore का और APA के लिए नैनीताल बैंक को 1 crore का और 2 crore का PNB को यहाँ पे जुर्माना लगाया. तो सारे में से एक जुर्माना आपका एग्जाम में आ सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ वॉन्ड विच बैंक फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ बैंक इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स. तो जो बैंक की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसके लिए यहाँ पे
वान किया है सिर्फ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसका यहाँ पे सही जवाब है आरबीआई। तो आरबीआई को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वान कर दिया है कि जो आपको जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है उसको डिस्क्लोज आपको करना होगा, आपने नहीं किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये आरबीआई यहाँ पे न्यूज़ में था, स्टेट बैंक ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे वार्निंग दी है जस्ट। तो दोस्तों आपको अगर कोई पीडीएफ चाहिए तो आप सिलेक्शन मेंटर को टेलीग्राम पे जरूर सर्च करें, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सर्च ऑप्शन पे जाके सिलेक्शन मेंटर को सर्च करें टेलीग्राम में। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट में लिखें और अपने 10 दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके और हमारा ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक जा सके, जिससे अगली वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं।